मुझे तुमसे ना कोई बहस नहीं करना। ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं कि जाके होटल में जाके मैं ही खाऊंगा, रोटी बना सकता हूँ मैं, लच्छा परांठा ज्यादा मेरे को बनाना ठीक है। तो अपने लच्छा परांठे की अकड़ मत दिखाया करो यहाँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अक्कू गई है स्कूल और बाहर हो रही है भयंकर वाली बारिश। तो आजकल जो है ना पहाड़ों पे बारिश 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 यही चल रहा है। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और मैं बोलती हूँ काफ़ी मतलब भयंकर बारिश हो रही है। तो आदत सी हो गई है मुझे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह तो मैंने सेट कर दी है, और ये वाले जो ये हल्के हल्के वाले जो कंबल है ना, ये हम लेते हैं रात को। तो अब मोटे कंबल निकालने का भी टाइम आ रहा है दोस्तों, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम यही वाले लेते हैं। उसके बाद मेरे को करना है पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा सारा फैल रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ही होता है। और यहाँ पर रखा हुआ है दूध जो अभी पतिदेव लेके आए हैं, तो अभी दूध भी गर्म करना है। और ये वाला जो डंडा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये है अक्कू की पिटाई करने के लिए। वैसे मैं पिटाई नहीं करती हूँ, आप लोग ये मत समझना कि मैं अक्कू को मतलब ऐसे डंडे से मारती हूँ। ये रखना पड़ता है अक्कू के साथ, जब अक्कू पढ़ाई करती है ना तो उस टाइम पे ड्रामे करती है अगर, क्योंकि जैसे मैंने उसे पढ़ने के लिए होमवर्क जो मिलता है वो दे दिया, फिर अगर मैं थोड़ी देर किचन में चले गई या बाहर चले गई कुछ भी काम करने ना, वो फिर ना मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो ये डंडा रखना पड़ता है अक्कू के लिए, तो अक्कू की पिटाई करने के लिए ये डंडा है। बट मैं उसकी पिटाई ऐसे नहीं करती हूँ दोस्तों, जब वो आएगी तो उससे पूछेंगे मम्मी मारती नहीं मारती, डांटती हूँ मैं उसे। पापा से तो खैर उसके पापा से कुछ नहीं बोलते, पर मैं डांटती हूँ, हर माँ ही डांटती होगी अपने बच्चे को, और वो भी भले के लिए, बुरे के लिए नहीं भले के लिए। तो सिर्फ डराने के लिए डंडा रखा है मैंने, मारने के लिए नहीं। तो चलिए फटाफट से पहले मैं कंबल वगैरह सेट करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ दोस्तों, और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि ना घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है ना, फिर सही रहता है। और 8:30 हो गए हैं, अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ आज, मतलब बाहर टहल रही थी तो बस वहीं टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो चलिए बारिश दिखाती हूँ मैं भी आपको पहले, चलो। तो ये देखिए ये हो रही है भयंकर वाली बारिश, और आजकल ना रोज़ इस टाइम पे बारिश होती ही रहती है देखो। तो आजकल पहाड़ों पे बारिश बारिश। तो दोस्तों अभी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और बाहर जो है ना बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है बस। तो ये देखिए बस अब मेरी नहाने की तैयारी है, तो कपड़े वगैरह ने निकाल दिए नहाने के लिए, और यहाँ पे चल रही है पतिदेव की पूजा पाठ। और बहुत मुश्किल से नहाए, कसम से नहाने के लिए इतना रोते हैं ना, इतना रोते क्या ही बताओ, मतलब कल भी नहीं नहाइए और आज भी ना इनको इतना बोला नहा लो नहा लो, तब कह रहे कि बाहर बारिश हो रही है मुझे ठंडा लग रहा है, कसम से छोटा बच्चा नहीं रोता जैसे, ऐसे रोते ही नहाने के लिए पतिदेव। पर तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो घर में ही रहना है, बाहर तो मैं जाता हूँ ना, मतलब जो आदमी बाहर जाएगा वो नहाएगा नहीं क्या? तो अभी वैसे अंदर जो है ना सफाई वगैरह तो सब कुछ हो गई है, नाश्ता बनाना रह गया है, और ये वाले जो कपड़े हैं ये धोने के लिए हैं आपको, कि स्कूल की ड्रेस, और इधर भर गया, और इधर ना क्या आता है फ्रेश पानी, तो ये भर ली थी मैं। अभी बाल्टी ना पतिदेव को बोलूँगी नीचे रख देंगे, क्योंकि मैं तो उठाती नहीं थी भारी बाल्टी। इधर मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, और बिल्कुल गैस कर दिया है सिम। अभी जाऊंगा बाजार, जाऊंगा आपको को लेने के लिए, तो कौन भीगेगा, तुम भीगोगे मैं भीगूंगा, ना तबीयत खराब। तो ऐसा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया, गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खराब कर रहा उसने, एक बार के लिए 10 बार बोल दिया नहाने के लिए, तो बोला कुछ और चीज के लिए बोला, नहा तो गया ना मैं, नहा तो गया, नहा के इंसान कैसा होता है स्वस्थ बना रहता है, बिना नहाए आदमी को और सुस्ती फैलनी रहती है, बिना नहा के आदमी जैसे कि मर जाता होगा। चार बार तो मैं भीग गया हूं, बार नहाऊंगा, जितनी बार बाजार जाऊंगा मैं, तो क्या नहाने में क्या है, वो भीगना होता है, वो नहाना नहीं होता है। तो ये है कि सुबह सुबह ना पति पत्नी का झगड़ा, और नहाने के लिए सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, दिमाग ही खराब कर रहा है, मतलब नहाने के लिए बोलो ना तो उनका मुंह ऐसा जाता है गुब्बारे इधर ऐसे फूल जाता है गुब्बारे की तरह, देखो आप बैठ गए वहाँ पे, ऐसे मुंह फुलाओगे ना रोटी भी नहीं बनाऊंगी भी, मत बना मेरे को सब बनाना आता है ठीक है, तेरी जरूरत नहीं मुझे। हम देखो ना अभी बीवी की जरूरत नहीं है, चलो इनसे तो बाद में निपटेंगे, सब बनाना आता है इनसे तो बाद ही में निपटना होगा, पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि फिर नाश्ते के लिए देर हो जाएगी, मुझे तुमसे ना कोई बहस नहीं करना। ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं कि जाके होटल में जाके मैं ही खाऊंगा, रोटी बना सकता हूँ मैं, लच्छा परांठा ज्यादा मेरे को बनाना ठीक है। तो अपने लच्छा परांठे की अकड़ मत दिखाया करो यहाँ, बारिश तेज हो रही है उसके लिए मजाक हो रहा था वहाँ।
बारिश बारिश तो होती रहेगी, बारिश तो 26 तारीख से 26 तारीख तक नहाओगी ना क्या? ना तो गया। यही तो बोल रही हूँ, चार बार तो भीग गया मैं। चलो दोस्तों, तो बिस्तर भी ऐसे सेट ना करूं क्या? तो मैं नहाती हूँ दोस्तों, इनके साथ तो भाद ही में निपटेंगे क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए देर हो जाएगी। बाल्टी तो रख दो नीचे। क्यों, फिर से बाल्टी नहीं रखा जा रहा है? इस टाइम पे मैं बाल्टी बाल्टी कुछ नहीं उठाऊंगी, मना किया मुझे डॉक्टर ने। डॉक्टर तो पागल है साले। हाँ तुम यूं सही। तो दोस्तों अभी मैं भी ये देखो, ये देखो क्या देखो कि फोन में लगे रहेंगे। तो अभी दोस्तों मेरा भी नहाना धोना हो चुका है और नाश्ता भी मैंने रेडी कर दिया है। तो अब नाश्ता करते हैं, और इनको ना मैंने कितनी बार बोल दिया कि चलो नाश्ता करते, सुनते ही नहीं है कोई, तो इनसे बोलना ही बेकार है। तो उधर रोटी बन चुकी है, ये घी है, चाय है साथ में, और आज ना सब्जी नहीं है, बिना सब्जी के रोटी खानी पड़ेगी आज। क्या है आज? आज घी में रोटी खाओगे? अच्छा लिया। हाँ सब्जी नहीं है। अब ये मत बोलना सब्जी क्यों नहीं बनाई। तब नहीं बोल सकती जब बाजार जाता हूँ। हैं? तब नहीं बोल सकती जब मैं बाजार जाता हूँ। कितनी बार बोलते हो, भूल जाते हो। हट। तो क्या हुआ दोस्तों, कभी कभी बिना सब्जी के भी खाना चाहिए ना। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब करते हैं नाश्ता। अचार भी आया यार। हाँ आप अचार में खा लेंगे ये। तो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आज ना मूड भी बड़ा ख़राब हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है सुबह। तो अभी दोस्तों हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है, और बाहर ना भयंकर बारिश हो रही है, मतलब और तेज़ हो रही है, कम नहीं हो रही। और टाइम हो गया 10:30, तो अक्कू को लाने का टाइम भी हो गया, और ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे लाऊंगा अक्कू को, हम भीगेंगे। और ये तो ये है घर की दाल, मसूर की दाल है ये, और इसको ना साफ़ करना है, तो आज मैं यही बनाऊंगी। काफ़ी टाइम से ना हमने यानी दाल नहीं खाई, बहुत मुझे बहुत पसंद है यानी दाल इनको भी, और दूसरी बात ये गाँव की है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगी। और ये दाल ना वैसे गर्म होती है तो, लेकिन आजकल जैसे बारिश हो तो काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आज यही बना लेते हैं, है ना। मैंने कहा यही वाली दाल बना लेता, ठंडा हो रहा, गरम होती है ना ये, गरम होती है, और इससे एक तो पेट में भी गुड़गुड़ाहट हो जाती है, गड़गड़ाहट बन जाती है। मैं तो खाता नहीं इसको डर के मारे, पर खानी तो पड़ेगी ना। तो अभी अक्कू के पापा अक्कू को लेके आ गए स्कूल से, और बारिश में भीग भी गई, बारिश हो रही बाहर बहुत भयंकर। उसके लिए तुम्हें देहरादून जाना पड़ेगा। और ये आइसक्रीम क्यों ली अक्कू इतनी ठंड में? खांसी भी हो रही है ना, और तबीयत खराब हो जाएगी। पापा भी वैसे ही जैसे बेटी बोलेगी वैसे ही करेंगे, इसलिए तो लड़ाई होती है, और क्यों होती है लड़ाई? आइसक्रीम क्यों दिलाई इतना ठंडा हो रहा भाई साहब? ये रोने लग गई इसने, कहा मैंने जाना ही नहीं वजह तक आइसक्रीम, पता नहीं क्या मांग रही थी ये, क्या ऐसा गोल गोल क्या मांग रही थी, क्या मांग? गोल गोल सी टॉप मिली थी पीछे वाली गली में जब मैं स्कूल छोड़ा था। क्या कह रही, गोल गोल सी टॉफी? तो टॉफी दिला देते ना, गोल गोल सी टॉफी कैसे? पता नहीं कौन सी टॉफी मांग रही हो, उसके लिए अलग ही टॉफी है कोई। कौन सी वाली है आपको? गोल वाली टॉफी जाएगा इसको, दे दे उसको गोल के। इतनी बाहर इतनी बारिश हो रही है, और भीग की भी आ रही है, फिर भी आइसक्रीम खा रही है, और खांसी भी हो रही है इस लड़की की बहुत तेज। ये लड़की भी जैसे दिखती है नहीं, ये वैसी है नहीं, पापा भी इसके जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। ये देखो इतनी ठंड में ना आइसक्रीम खा रही है लड़की, अब तबीयत खराब होगी ना आपको, फिर डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगेगा, तब मज़ा आ रहा ना आइसक्रीम खाने में, उतना इंजेक्शन भी लगेगा, ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए ना। जिद्दी हो गई लड़की बहुत ज्यादा, उससे पिटाई हो गई। मम्मी ने वो डंडा क्यों रख रखा है वहां पे, बताओ किस लिए रखा है डंडा? देखो ये वाला डंडा क्यों रखा हुआ मम्मी ने, इससे क्या होता है, क्या होता है इससे, बताओ क्या होता है इससे? जब अक्कू पढ़ाई नहीं करती क्या होता है इससे? कुटाई। क्या होता है इससे? कुटाई। कुटाई होती ना कुकी? हाँ कुटाई होती है, कुटाई। आइसक्रीम खा रही हूँ तब भी कुटाई होनी चाहिए थी अक्कू की। तो अभी अक्कू के कपड़े वगैरह भी चेंज करा दिए हैं, लाइट जला देते हैं,
एक तो GoPro में दिखता नहीं है और पतिदेव लग गए हैं यहाँ पे वीडियो एडिट करने के लिए। आज भी थोड़े से नाराज हो गए, सुबह सुबह हमारी लड़ाई हो गई थी ना। नाराज हो? नाराज हो ऐसे मत बोल देना। हाँ नाराज हो, खाना नहीं मिलेगा फिर दिन का। मैं खुद बना के खा सकता हूँ भाई। तो कैसा बन बनाया खाना होगा और कैसे खुद बनाओगे? अरे ऊपर ऊपर भाभी का है ना होटल, वहाँ पे चले जाएंगे। होटल में पैसे भी लगते हैं, वहाँ फ्री में नहीं मिलता। एक दो दिन तो भाभी खिलाई देगी। तो पति पत्नी के बीच तो ऐसे लड़ाई होती रहती है ना दोस्तों, होती रहती ना, बोलो होती रहती दोस्तों। अभी मार भी पड़ेगी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको ब्लॉग में ना। ये देखा और अक्कू ने कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ क्या अपने बुक कॉपियाँ निकाल दी है। क्या सोच रही हूँ कॉपी देख देख के, क्या सोच रही है, क्या सोच रही हूँ, क्या क्या आपको आपको एक गाना सुना दो वाला गढ़वाली गाना जो पहले सुनाती थी, सुना देखो। बोले पप्पू ने ना आज ये करा है स्कूल में कलर्स नेम। ये कौन सा कलर है? ये ब्लू। ये हरा। इंग्लिश में बोलना है ना, हिंदी में हरा और इंग्लिश में ग्रीन। ये पिंक। ये ब्लैक। ये ऑरेंज। वेरी गुड। तो आज अक्कू ने कलर्स नेम लिखे हुए हैं। मैंने तो गोले कर रखे हैं, आप ऐसे डिब्बे बना के दो। ठीक है, ओके ओके। ये सेम दिया ना, मैं भी करूंगा इनमें कलर। हैं अच्छा, अक्कू को ना कलर करना बहुत ही अच्छा लगता है, है ना, कलर करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये आपकी राइटिंग है, पता है, ये आप दिख रहा है आपकी राइटिंग है, इतना अच्छा लिख रखा है, देखना जरा, टेढ़ा मेढ़ा लिखी है। अरे अच्छा लिखा, अच्छा लिखा यार, बहुत ही अच्छा लगा। तभी तो मैम ने देखो यहाँ पे क्या लिखा आपके लिए, फंटास्टिक, है ना, इतने सारे स्टार दिए आपको, 5 स्टार। 1 2 3 4 5 5 स्टार। चलो अभी गड़ाले गाना सुना दो, ब्लॉग एंड करते हैं फिर। वेरी नाइस, डांस भी करके दिखाओ। डांस भी करके दिखाओ। नहीं अच्छा, आजकल वाला गाना चल रहा क्रीम पाउडर वाला, वाला सुना दो आपको। मेरी पाउडर घिसने के गाना है, मेरी निर्मला दिखने के गाने है। तो आपको को ऐसे गढ़वाली गाने ना खूब याद होते हैं, बस दो दो लाइन। अब हो गई ना खांसी बेटा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। मेरा नाम है 1 2 3। 1 2 3 मेरा नाम है, 1 2 3 1 2 3 तुम्हारा नाम है, गंदा बच्चा कहेगा। बाय कर दो सबको, बाय। मतलब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आप कभी भूले ना। हाँ बोलो, लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, भूले मत।